पंजाब और गोवा विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग हो रही है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए और गोवा की 40 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। जनता के बीच जाने से पहले अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में कई उम्मीदवारों ने मत्था टेका। पणजी में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने मतदान किया और इस मौके पर मनोहर पर्रिकर ने बीजेपी की जीत का दावा भी किया। आपको बता दें कि गोवा में सुबह 7 बजे से और पंजाब में 8 बजे से वोट डाले जा रहे हैं। पंजाब में वोटिंग के लिए कुल 22,615 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि गोवा में 1,642 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पंजाब में 1,145 उम्मीदवार मैदान में उतरे हैं, वहीं गोवा में 251 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। अमृतसर लोकसभा सीट के लिए भी आज मतदान हो रहा है। दोनों ही राज्यों में हो रही वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए हैं। चुनाव को ठीक ढंग से कराने के लिए पंजाब में 1,00,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। वोटर्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी अर्धसैनिक बलों की 600 कंपनियों और 50,000 पुलिसकर्मियों पर सौंपी गई है। करीब 4,840 पोलिंग बूथ स्टेशन संवेदनशील रखे गए हैं, जबकि 786 पोलिंग स्टेशनों को अति संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है। गोवा में भी चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। मुझे लगता है कि इस इलेक्शन में पिछले इलेक्शन के जैसा काफ़ी हैवी वोटिंग होने वाला है, 85% तक होने वाला है। बीजेपी ने हर एक वोटर को तीन तीन चार चार बार कांटेक्ट किया है। पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक, बहुत लोगों में जोश है वोट करने का, और वो भी एक अच्छी सरकार को उसका सर्टिफिकेट देने के लिए लोग बड़ी संख्या में बाहर आएंगे और लोग हमें कम से कम दो तिहाई। पंजाब और गोवा दोनों ही राज्यों में बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर है। गोवा में बीजेपी की सरकार है, जबकि पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की गठबंधन सत्ता में है। अकाली दल पंजाब में लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल करने के लिए दम लगा रही है। इस बार के चुनाव में अकाली दल 94 और उसकी सहयोगी पार्टी बीजेपी 23 सीटों पर मैदान में उतरी है। वहीं कांग्रेस ने 116 सीटों पर और आम आदमी पार्टी ने 112 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल बीजेपी इस गठबंधन को 68 सीटों पर जीत मिली थी। पंजाब में कई दिग्गज नेताओं की किस्मत आज दांव पर लगी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कैप्टन अमरिंदर सिंह चुनावी मैदान में हैं। अमरिंदर सिंह पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि ये उनका आखिरी चुनाव होगा। अमरिंदर सिंह दो जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। वो सीएम प्रकाश सिंह बादल को उनके गढ़ लंबी और पटियाला में पूर्व आर्मी चीफ जेजे सिंह के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के टिकट पर अमृतसर पूर्व सीट से चुनावी मैदान में है। गोवा में सत्ताधारी बीजेपी, विपक्षी और कांग्रेस और राज्य में नई एंट्री करने वाली आम आदमी पार्टी और तीन पार्टियां एमजीएम, जीएसएम और शिवसेना के गठबंधन वाली पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला है। चुनाव में 5 पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर के भविष्य का फैसला होने वाला है। पूर्व मुख्यमंत्री रवि नायक, दिगंबर कामत, प्रताप सिंह राणे और लुई जिनो फिलेरिया और कांग्रेस टिकट पर, जबकि चर्चिल अलेमाओ एनसीपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। विभाग के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने अपने चंदे का जो ब्यौरा दिया है वो सही नहीं है। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक आम आदमी पार्टी ने खुद को जो चंदा मिला है उसकी जो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करके विभाग को दी है, उसमें करीब 27 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड शामिल नहीं है। इनकम टैक्स विभाग का कहना है कि आम आदमी पार्टी ने 2013-14 और 14-15 में मिले चंदे का जो रिकॉर्ड दिया है वो पार्टी को मिले चंदे की असल रकम से मेल नहीं खाता। विभाग का कहना है कि आम आदमी पार्टी के कोषाध्यक्ष ने अपने खातों में गड़बड़ियों की बात मानी है। विभाग का मानना है कि ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 के खिलाफ है और गड़बड़ी साबित होने पर आम आदमी पार्टी के चंदे पर टैक्स मिलने वाली रियायत को खत्म कर दिया जा सकता है। केजरीवाल ने और इसकी जो जुंडली है, कोटरी है, अगर उन्होंने कानून को रूल्स को वायलेट किया है और कोई बेईमानी किया है और जो अपने आप को कहते हैं कि हम तो हरीशचंद्र की औलाद हैं, हमसे ज़्यादा सच्चा कोई नहीं है, हमारे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है, हम तो इस दुनिया में आए हैं
जैसे भगवान कृष्ण आए थे तो ईवल को खत्म करने, वो कहते हैं हम तो करप्शन को खत्म करने के लिए ही यहाँ जन्म लिया है, और अगर ये खुद करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है तो इनको सजा मिलनी चाहिए। और अगर वो कह रहे हैं कोई प्रावधान है पार्टी को ही डीनोटिफाई करने का, तो जरूर होनी चाहिए साहब, इसमें क्या है। सशस्त्र बल कर्मियों समेत सेवा मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से डाक मतपत्र ई बैलेट भेजने की नई प्रणाली की पहली बड़ी परीक्षा आज गोवा और पंजाब विधानसभा चुनाव में होगी। कुल 45 विधानसभा सीटों पर ई बैलेट के इस्तेमाल किया जाएगा और गोवा की सभी 40 सीटों पर ETPVS यानी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि पंजाब में 117 में से केवल 5 सीटों पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें आत्मनगर, लुधियाना पूर्व, लुधियाना उत्तर, अमृतसर उत्तर और जालंधर पश्चिम शामिल हैं। पिछले साल पुडुचेरी के नल्ली थोपे विधानसभा सीट के उपचुनाव में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसका पहली बार इस्तेमाल किया गया था। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी यूपी में आज बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत मेरठ से करेंगे। पीएम की रैली दोपहर 2 बजे जाधव इंटर कॉलेज मैदान में होगी। मेरठ में पहले चरण में 11 फरवरी को मतदान होगा। सूत्रों के मुताबिक पहले 2 चरणों के चुनाव के लिए पीएम की 4 रैलियों के कार्यक्रम तय कर लिए गए हैं। मेरठ में आज की रैली के बाद पीएम की 7 फरवरी को अलीगढ़ में रैली होगी। इसके बाद 10 फरवरी को बिजनौर में और 12 फरवरी को पीलीभीत में पीएम मोदी रैली करेंगे। मेरठ में आज होने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली जनसभा है। पीएम मोदी इस जनसभा के जरिए बीजेपी के पक्ष में हवा तैयार करने की कोशिश में लगेंगे और रैली को लेकर स्थानीय नेता भी जी जान से जुटे हैं। वहीं पुलिस और SPG के अधिकारियों ने रैली स्थल और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। पीएम मोदी सुबह करीब 11 बजे के बाद विशेष चौपर से सभा स्थल पहुंचेंगे। यूपी में आज बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की 3 रैलियां होंगी। अमित शाह मथुरा, हाथरस और फिरोजाबाद में रैली करेंगे। इसके बाद वो लखनऊ जाएंगे जहां वो पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात करेंगे। वहीं सीएम अखिलेश यादव की आज 5 रैलियां होंगी। इनमें बिधुना, औरैया, रसूलाबाद और कानपुर देहात शामिल हैं, जबकि BSP अध्यक्ष मायावती आज बरेली और फिरोजाबाद में रैलियां करेंगी। यूपी में पोस्टर वॉर देखने को मिल रहा है। फिल्मी गाने पर SP कांग्रेस गठबंधन ने पोस्टर और नारा गढ़ा, तो अब बीजेपी ने भी उसका जवाबी नारा और पोस्टर जारी किया है। यूपी को ये 7 पसंद है नारे के मुकाबले यूपी को बीजेपी ने ये 7 पसंद है का नारा दिया है। बीजेपी के इस पोस्टर में 7 नेताओं की तस्वीर शामिल की गई है। इसमें पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, उमा भारती, कलराज मिश्र, महंत आदित्यनाथ शामिल हैं। ये वही चेहरे हैं जो पहले से ही बीजेपी के विज्ञापनों में नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोक दल ने अपने 14 स्टार प्रचारक कैंपेनर्स की लिस्ट जारी की है। हैरानी की बात यह है कि इस लिस्ट में पहला नाम समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव का भी है। इसके अलावा लिस्ट में कॉमेडियन एहसान खान और राजपाल यादव का नाम भी शामिल है। जिस समय चुनाव चिन्ह को लेकर समाजवादी पार्टी में विवाद चल रहा था, उस समय ऐसी चर्चा थी कि लोक दल का चुनाव चिन्ह खेत जोता किसान को मुलायम सिंह अपना सकते हैं। अखिलेश ने जिन नेताओं का टिकट काटा उनमें से करीब 10 से ज्यादा लोक दल से चुनावी मैदान में उतरे हैं। प्रियंका गांधी को लेकर एक बार फिर बीजेपी ने विवादित बयान दिया है। यूपी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री विद्यासागर सोनकर ने कहा है कि कांग्रेस प्रियंका गांधी का यूज सिर्फ चुनाव के वक्त करती है और उसके बाद उन्हें धो पहुंचकर वापस रख लेती है। आपको बता दें कि विद्यासागर सोनकर गाजीपुर के सैदपुर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं। इसके अलावा उन्होंने SP के साथ BSP पर भी निशाना साधा और SP सरकार को सभी योजनाओं को धोखा बताते हुए मुख्तार अंसारी के BSP में शामिल होने पर भी सवाल खड़े किए। इलाहाबाद के तेलियरगंज इलाके में अमोनिया गैस कोल्ड स्टोरेज के गैस रिसाव से हड़कंप मच गया। तेलियरगंज इलाके में मुख्य बस्ती में एक कॉलेज के परिसर के पास बनाए गए प्लांट में अचानक से अमोनिया गैस का रिसाव होने लगा, जिससे आसपास के लोगों को सांस लेने में काफी तकलीफें होने लगी, जिसके बाद लोगों ने जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी। आनन फानन में कई दमकल की गाड़ियां और पुलिस फोर्स मौके पर भेजी गई। लोगों को अपने घरों से दूर जाने का ऐलान किया गया।
आसपास की बस्ती में 100 से अधिक लोग अमोनिया गैस रिसाव से सांस लेने की तकलीफ से जूझ रहे हैं और ये कोल्ड स्टोरेज रजनीश गुप्ता नाम के एक शख्स का बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने खांडवा जिले के पूनिया गांव से हनुवंतिया तक नर्मदा सेवा यात्रा में शामिल हुए। इस यात्रा में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के 45 नवविवाहित जोड़े भी शामिल हुए। दरअसल मुंदी नगर परिषद से 45 जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया गया था। इसके बाद हनुवंतिया के तट पर विवाहित जोड़ों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा आरती की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कन्यादान विवाह योजना के तहत मिलने वाली राशि के अतिरिक्त 25,000 रुपए अलग से नवविवाहित जोड़ों को देने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों को नर्मदा सेवा यात्रा के उद्देश्यों की शपथ दिलाई और प्लास्टिक, शराब और अन्य तरह के नशा नहीं करने और पर्यावरण बचाने की भी शपथ दिलाई। मध्य प्रदेश के खरगोन में मां नर्मदा जयंती के मौके पर ऐतिहासिक अहिल्या घाट पर महाआरती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने दीप दान करते हुए मां नर्मदा की महाआरती में शामिल हुए। इस दौरान दीपों की रोशनी से पूरा नर्मदा नदी का तट जगमगा उठा। रात्रि में हर हर नर्मदे के जयकारों से सभी नर्मदा घाट गुंजायमान हो गए। इस दौरान खास बात ये रही कि पर्यटन नगरी महेश्वर में रुके विदेशी पर्यटकों ने भी नर्मदा जयंती में हिस्सा लिया और खूब आनंद उठाया, जबकि विदेशी महिलाओं ने चुनरी यात्रा में शामिल होकर भजनों पर खूब डांस किया। मध्य प्रदेश में उज्जैन जिले के विक्रम कीर्ति मंदिर में पहली बार नेशनल लेवल पर फूलों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी में 1,200 से ज्यादा देसी और विदेशी फूलों की प्रजाति रखी गई है। 5 फरवरी तक चलने वाले इस राष्ट्रीय पुष्प प्रदर्शनी में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। खास बात यह है कि फूलों की इस प्रदर्शनी के जरिए स्वच्छता का संदेश भी दिया जा रहा है। इतने सारे फूल शायद पहले कभी नहीं देखे। ये वास्तविकता है कि जो इतने सारे फूल यहाँ पे देखे, पहली बार बहुत सारे फूल देखे और इतना अच्छा लग रहा है कि शायद एक सप्ताह तक ये एग्जीबिशन चलना चाहिए। फ्लावर पुष्पों की प्रदर्शनी है, इसको मैं एक तरीके से जो हमारा महाकुंभ था उसकी समाप्ति के बाद में पुष्प महाकुंभ की मैं इसको उपाधि दूंगा। बहुत ही अच्छा आयोजन जिला प्रशासन के द्वारा और नगर निगम के द्वारा किया गया है, जिसमें पूरे देश भर से, मैं तो कहूँगा विदेश भर से, चाहे वो हॉलैंड के ट्यूलिप हों, चाहे वो कश्मीर के नरगिस के फूल हों, सब आए हुए हैं। कभी ऐसा होता है कि हमारे यहाँ के किसानों के यहाँ वो उत्पाद नहीं होता है तो हमको बाहर से ला के मतलब माला बुलाना पड़ती है, तो इसी को हाईलाइट करने के लिए हमने यहाँ कई तरह की वेराइटियों के फूलों का प्रदर्शनी लगाई है, ताकि अपने यहाँ के जो लोकल के यहाँ के जो किसान हैं जो फूलों की खेती करते हैं पिछले कई वर्षों से, तो वो इसको देख के मोटिवेट है और नए नए फ्लावर्स की खेती यहाँ पे करें। देश विदेश से फूल आए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ फूल जो है विदेश से आए हैं और इनकी कीमत कम से कम 200 से 300 रुपये प्रति फूल है। मकसद हमारा ये है कि कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए किसान भाई फूलों की खेती करें, क्योंकि ये नगद फसल है और आज हम उनको ऐसी कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं जैसे फूलों में और अलग अलग प्रादर्श है, जिससे कि वो सीखे, खेती करें और इससे लाभ कमाएँ। जबलपुर पहुंचे मध्य प्रदेश के डीजी लोकायुक्त अनिल कुमार सरकारी अधिकारियों के खिलाफ चार्जशीट पेश करने की अनुमति मिलने में लगने वाली देरी पर जमकर बोले। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक सरकार को ऐसी अनुमति 3 महीने में दे देनी चाहिए, लेकिन फिर भी उनका संगठन हर 3 महीने में सरकार को इसके लिए रिमाइंडर भेजता रहता है। लेकिन संगठन से ये सतत प्रक्रिया है, हर 3 माह में, चूंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने निर्णय में ये कहा था कि विभाग को 3 माह में एक गाइडलाइन दी थी कि 3 माह में अभियोजन स्वीकृति दे देनी चाहिए, तो एक ऐसी एडवाइजरी गाइडलाइन है, इसलिए हमारा संगठन जो है हर 3 महीने पे एक रिमाइंडर करता रहता है। ये स्थिति
मध्य प्रदेश के जबलपुर में इन दिनों एक नई मुसीबत सामने आ रही है। यहां सड़कों पर करीब 8000 ऑटो ड्राइवर वाहन दौड़ा रहे हैं, लेकिन इनमें से करीब 1400 ड्राइवर स्मैक जैसे नशे के आदि हैं। इनमें कभी भी बड़ा हादसा होने की अंदेशा जताए जा रहे हैं। वहीं नशे के आदि इन ऑटो वालों की परिवार वालों से भी कलह सामने आ रही है। साल 2016 में करीब 300 ऑटो चालकों की पत्नियों ने परिवार परामर्श केंद्र पर गुहार लगाई थी। ऐसा चालक जो है नशा पानी करके चलाते हैं गाड़ी, और उनको समझाते हैं हम लोग, मगर वो मानते नहीं हैं। कहते हैं भाई हमारा शौक है, सब लोग समझा देते हैं सब ऑटो वाले मिल के उनको कि भाई ऑटो आप गाड़ी चलाएं, कोई नशा ना करें। गरीब बच्चों सब परेशान होते हैं कि भाई घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, खाना नहीं बन रहा और घर में भूखा पड़ रहा है, उसके बाद भी कुछ मतलब नहीं, ऐसा से करना है। नशा करके जो जीप और बैग एक जो चुराते हैं जो सब वही नशे वाले रहते हैं, वो नशा करते हैं, हम लोग सब बदनाम होते हैं। इनके लिए उन सरकार को कदम उठाना चाहिए। अच्छा समाज के लिए ही चुनौती है, खाली सिर्फ इसमें पुलिस की को सेंसिटिव होने से संवेदनशील होने से काम नहीं चलने वाला, इसमें पूरे समाज को और सामाजिक संगठनों को इसमें आगे आना चाहिए। डी एडिक्शन कैंप पुलिस के स्तर पे भी हम लोग इसको शुरू करेंगे और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करा रहे हैं जो इस प्रकार जो है ड्रग लेकर और रिक्शा चलाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर में नोटबंदी के बाद लोगों को कैशलेस रजिस्ट्री की ओर रुझान बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब रजिस्ट्री के लिए अलग अलग कार्यालयों में नहीं भटकना पड़ेगा, एक ही जगह पर सब काम एक साथ होंगे। रजिस्ट्री फीस ज्यादा नहीं होने पर भी अब बैंक में लंबी कतार में खड़ा नहीं होने की जरूरत है। सर्विस प्रोवाइडर के पास स्टॉल बुक कराने के साथ ही रजिस्ट्री फीस भी क्रेडिट लिमिट के जरिए जमा हो रही है, और अभी तक पिछले कुछ महीनों से ट्रायल के दौरान कैशलेस रजिस्ट्री को वैकल्पिक रूप में रखा गया था, लेकिन अब रजिस्ट्री में कैशलेस भुगतान को अनिवार्य कर दिया गया है। ऑनलाइन भुगतान से समय भी कम लग रहा है और जिला पंजीकरण अधिकारी भी इसे एक अच्छा कदम बता रहे हैं। सर्विस चार्ज के नाम पर ग्राहकों से ज्यादा वसूली पर सरकार रोक लगाने की तैयारी में जुट गई है। सूत्रों के मुताबिक सरकार सर्विस चार्ज पर कैप लगाने पर विचार कर रही है, यानी एक सीमा से ज्यादा कंपनियां सर्विस चार्ज नहीं वसूल पाएंगी। सरकार का मकसद इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को सस्ता करना है। साथ ही तर्क है कि चेक से पेमेंट पर ज्यादा लंबी प्रक्रिया होती है और इसमें ज्यादा खर्चा भी आता है, लेकिन इस पर कोई सर्विस चार्ज नहीं लगता। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन पर ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं लगता। फिलहाल डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट और ऑनलाइन पेमेंट पर आमतौर पर कंपनियां सर्विस चार्ज वसूलती हैं। सर्विस चार्ज 2% तक वसूला जाता है। जल्द ही बैंकों से कैश निकासी की सीमा खत्म हो सकती है। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा है कि डीमोनेटाइजेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और आरबीआई जल्द ही कैश निकासी के लिए तय की गई सीमा को खत्म कर देगा। फिलहाल बैंकों से बचत खातों से हर हफ्ते अधिकतम 24,000 रुपए आप निकाल सकते हैं, यानी कोई व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 96,000 रुपए तक निकाल सकता है। हालांकि चालू खाते से आप कितनी भी रकम निकाल सकते हैं, वहीं बचत खाते वाले एटीएम से भी आप एक हफ्ते में अधिकतम 24,000 रुपए ही निकाल सकते हैं। अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भले ही संरक्षणवादी नीतियां अपना रहे हों, लेकिन फेसबुक पर के फाउंडर मार्क जुकरबर्ग शायद ही ट्रंप की नीतियों से सहमत होंगे। रिलायंस जियो के फ्री ऑफर और भारत में डिजिटल बूम का ही नतीजा है कि फेसबुक ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए। इस दौरान कंपनी का मुनाफा 128% बढ़ा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि 2017-18 के लिए 3.2% के वित्तीय घाटे का लक्ष्य रियलिस्टिक है, और वित्त मंत्री ने कहा है कि टैक्स रिवेन्यू में इजाफा है और विनिवेश के जरिए इस लक्ष्य को आसानी से हासिल भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि FIPB को खत्म नहीं करने से लाल फीताशाही पर लगाम लगने में मदद मिलेगी। टाटा संस के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्री ने नेशनल कंपनी लॉ एप्लिटेट ट्रिब्यूनल से भी उन्हें झटका लगा है। NCLAT ने मिस्री को उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 6 फरवरी को होने वाली टाटा संस की EGM पर रोक लगाने की मांग की थी।
आईडीबीआई लोन डिफॉल्टर केस में सीबीआई ने भले ही चार्जशीट दाखिल कर ली है, लेकिन इस मामले में यूबी ग्रुप और आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों के रोल की जांच की जा रही है। बैंक लोन रकम को देश से बाहर भेजने और उसके इस्तेमाल की एजेंसियां जांच कर रही हैं। बैंकों का करीब 9000 करोड़ रुपए लेकर विदेश भागे विजय माल्या ने कहा है कि उन्हें फुटबॉल बना दिया गया है। माल्या ने शुक्रवार को अपने ट्वीट में कहा कि एनटीए और यूपीए की टीमें उन्हें फुटबॉल की तरह एक दूसरे के पाले में उछाल रही हैं। खुद को पीड़ित बताते हुए विजय माल्या ने लिखा कि दोनों टीमों के बीच वो फुटबॉल बन गए हैं। चाइनीज मोबाइल डिवाइस कंपनी ZTE ने भारत में अपना नया स्मार्टफोन ब्लेड A610 प्लस लॉन्च कर दिया है। भारत में इस स्मार्टफोन की कीमत 11,999 रुपए रखी गई है। इस फोन को ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से 5 फरवरी से खरीदा जा सकता है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट से भड़के अमेरिका ने बैन पर रोक लगाने की घोषणा कर दी है। अमेरिका ने ईरान के 13 नागरिकों और दर्जनों कंपनियों पर बैन लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने वित्त मंत्रालय ने इसका ऐलान किया। ईरान पर अमेरिका का ये बैन उस पर दबाव बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनकी फैसलों को लेकर अधिक तक अमेरिकी लोग खुश नहीं हैं। अमेरिकी सर्वे एजेंसी पब्लिक पॉलिसी पोलिंग के द्वारा कराए गए एक पोल के मुताबिक 52% लोग चाहते हैं कि पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति की गद्दी संभालें, और पोल में 43% लोगों ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से वो खुश हैं। सोनू सूद और जैकी चेन स्टारर इंडो चाइनीज फिल्म कुंफू योगा शुक्रवार को भारतीय सिनेमा घरों में रिलीज हो गई। इससे पहले चीन में रिलीज ये फिल्म चाइनीज बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कामयाबी कर रही है और कुंफू योगा चीन में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है। स्टेनले टोंग के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में जैकी चेन और सोनू सूद नजर आ रहे हैं। फिल्म में सोनू सूद और दिशा पटानी भी हैं और हाल ही में जैकी चैन फिल्म के प्रमोशन के लिए भारत भी आए थे।